हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, आज का जो चर्चा का विषय है, आपको शायद थोड़ा अजीब भी लगा होगा कि मानव भाई कह रहे हैं कि आश्रमवासी सभी बड़े स्वार्थी है, और जो आश्रम पे आरोप लगा रहे हैं, जो आश्रम के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो जैसे अभी देखा होगा आपने कि कई दो चार दिन में कई अखबारों में, राजस्थान के उधर अखबारों में, कई चैनलों पर ऐसे एक न्यूज चलाई जा रही है आश्रम के खिलाफ, पेड न्यूज चलाई जा रही है, मीडिया को पैसा दिया जा रहा है और आश्रम को बदनाम किया जा रहा है। तो ये जो लोग कर रहे हैं, वे वाकई में महान, उनका जो त्याग है महान त्याग है, और जो आश्रमवासी है वो बड़े स्वार्थी है। ये बात आज मैं आपके सामने पहली बार कह रहा हूं, तो आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़ा इसमें सच्चाई मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि स्वयं मैंने सब देखा है। अभी सूरत आश्रम में जाकर, पुणे के सेंटर पे जाके, अभी देखो पूज्य श्री जब से एकांत में गए हैं तो इतना आश्रम में नहीं जा पाया। पूज्य श्री जब बाहर थे, आश्रम में थे, उस समय तो हर वर्ष दिसंबर के शिविर में मैं सूरत जाता ही था, चार पांच दिन, कभी चार दिन पांच दिन, जो भी शिविर होता था उस समय दिसंबर का, तो मैं सूरत आश्रम में पूरा लाभ लेता था दिसंबर के शिविर का। और अहमदाबाद आश्रम भी कई बार जाना हुआ, लेकिन पूज्यश्री एकांत में जाने के बाद अहमदाबाद भी बस एक बार गया था, अभी 2019 में जोधपुर गया था 2017 में, तो गुरुदेव के दर्शन के लिए सभी हम सब गए हैं जोधपुर। तो मैं सोचा कि हम घर बैठे इतना सब बोलते हैं, प्रचार करते हैं, अपने चैनल से सब डिबेट आदि करते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्रसारित करते हैं, साधकों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, किंतु स्वयं वहां जाकर तो कभी देखना भी चाहिए ना। अभी देखिए जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी का जो भी शिविर हुआ सूरत में, सैकड़ों हजारों साधक वहां आए थे, मैं नहीं जा पाया उसमें भी, पर मैं सोचा कि चलो सूरत के आश्रम में, अरे हाँ, खास सूरत के आश्रम में मैं नहीं गया था, मतलब सूरत जो मैं गया था वो आश्रम दर्शन हेतु नहीं गया था, मेरा जो मेरी भांजी की शादी थी सूरत में, तो मैं सूरत में भांजी की शादी थी तो बहाने चलो आश्रम का दर्शन हो गया, और आश्रम में ही निवास किया और आश्रम में ही भोजन प्रसाद लिया, बड़ा आनंद आया। किंतु आश्रमवासी सभी स्वार्थी है, ये मैंने अपने नजरों से देखा है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं यदि बोलता हूं, अपनी बात हमेशा साधकों के बीच रखता हूं, तो मुझे सत्य बात ही रखनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, और गुरुदेव भी उसी में प्रसन्न हो गए यदि मैं सच्चाई साधकों के सामने रखता हूं, और जो सच मेरे सामने आया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। वाकई मैंने जो सूरत में देखा, पुणे सेंटर पे भी था, अभी सूरत में मेरी भांजी की जो शादी थी वो अभी 30 नवंबर को थी, परसों एकादशी के दिन, 30 नवंबर, तो 29 और 30 नवंबर को दो दिन मैं सूरत आश्रम में रहा, 29 को रात को वहां विश्राम भी किया, और फिर 30 तारीख को लगभग रात, मतलब 11 बजे वहां से मैं निकला आश्रम से, रात को 11 बजे, 1 बजे ट्रेन थी मेरी, तो काफी समय मेरा गया तो विवाह के लिए था, लेकिन आश्रम में ही अधिकतर समय मेरा आश्रम में ही बीता है, सूरत आश्रम में। और 19 नवंबर को मैं पुणे सेंटर पे भी गया था, तो मुझे लगा कि नहीं, आश्रमवासी सही में बहुत स्वार्थी है। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक यदि आपने नहीं किया हो तो वो भी आज कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाकर उन्हें जगाइएगा। साधकों में इस सच्चाई को शेयर करना हम सभी का कर्तव्य है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि स्वार्थी कैसे है आश्रमवासी। चलिए अभी, हाँ, एक बात और आपको मैं पहले बता दूं, आश्रमवासी स्वार्थी है, चलो ये तो चर्चा हम इस पर करेंगे, लेकिन सूरत आश्रम में मुझे कितना लाभ हुआ है वो भी तो पहले आपको मैं सुना दूं। भाई, हमारे गुरु का द्वार है, आश्रमवासी स्वार्थी हो, परमार्थी हो, जो भी हो, हमें तो वहां से लाभ लेना ही चाहिए, और लाभ मिलता ही है, गुरुदेव की करुणा जो है हम पर। तो देखिए, मैंने वहां भोजन प्रसाद लिया एकादशी के दिन, वहां पे फलाहार आदि का मुझे लाभ मिला। अब यदि उस समय मुझे याद आया कि कुछ लोग है, एक महिला है, क्या नाम है उसका, वो मक्कार है या मक्कड़ है क्या, भक्कड़ जक्कड़, जो भी मक्कार बक्कर जो भी नाम होगा, मुझे नाम अभी ठीक से याद भी नहीं आ रहा, और ऐसे को नाम याद करके करना भी क्या है,
तो वो महिला महिला है, बहन नहीं कहूंगा उसको, उनको बहन नहीं कह सकता, क्योंकि जो गुरुदेव के सिद्धांत, जो गुरुदेव के आश्रम में बंद रहे प्रसाद को, भोजन प्रसाद की निंदा कर रही है, कहती है कि इस भोजन पे थूकना चाहिए, आश्रम के भोजन पे, उनके लिए बहन कहना मुझे थोड़ा, मेरा मन नहीं करता कि मैं उन्हें बहन कहूं, मैं उन्हें महिला कहूंगा। तो जो महिला है, उस महिला ने आश्रम के भोजन प्रसाद की निंदा की और कहा कि भोजन पे थूकना चाहिए। मित्रों, मैं सूरत गया था अभी विवाह में, तो मुझे भोजन की कितनी सुंदर व्यवस्था आश्रम में हो गई। सोचिए, यदि मैं आश्रम के भोजन की निंदा करता और उस महिला की तरह मैं भी कहता कि नहीं, आश्रम के भोजन पे थूकना चाहिए, तो मैं भोजन कहाँ करता? मुझे अमरावती से भोजन साथ में लेकर चलना पड़ता और वो बासी भोजन मुझे विवाह में करना पड़ता। वो दूध की रोटी वोटी बना के, कुछ ऐसा पराठे वराठे कुछ ऐसा बना के चलना पड़ता, और वो बासी भोजन फिर मैं वहां करता। पर मित्रों, मुझे वो जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे गुरु का द्वार जो है, मेरे गुरु का दरबार जो है, जहां मुझे घर से भी बढ़िया भोजन मिल गया, कितनी तृप्ति, कितना आनंद, कितनी सुंदर व्यवस्था गुरुदेव ने हमारे लिए करके रखी है, कितनी बड़ी कृपा है उनकी हमारे पे, कितनी करुणा है उनकी। जो घर में भी हमें जैसा भोजन नहीं मिल सकता, इतना बढ़िया भोजन हमें वहां सूरत आश्रम में मिला। भोजन ही नहीं, जल भी मुझे बढ़िया, आश्रम का जल मुझे विवाह में, वो भी, अब भाई मैं अमरावती से मान लो भोजन लेकर भी चलता और वो विवाह में कर लेता, पानी तो मुझे वहां का पीना ही पड़ता, इतना पानी तो नहीं साथ में लेकर चलता कि 2 दिन पूरा हो, लेकिन आश्रम का जल भी मुझे मिल गया, तो मुझे जल की भी जरूरत नहीं पड़ी बाहर से। कितनी करुणा है। और हम कहे, और ये मूर्ख, और ये पागल, ये मंदमति महिलाएं कह रही है, वो महिला कह रही है कि आश्रम के भोजन पर थूकना चाहिए, धिक्कार है, मक्कार तुझे धिक्कार है कि आश्रम के भोजन पे थूकने की बात कर रही हो। चलिए, तो आश्रमवासी स्वार्थी कैसे? मित्रों, जो आश्रमवासी वहां रहते हैं ना, आज भी करीब 100 125 जो भी, मुझे तो पता नहीं, शायद 100 तो होंगे सूरत आश्रम में, जो भी आश्रमवासी, सूरत नहीं, हमारे सभी आश्रमों के मिलाकर तो कई आश्रमवासी, आज जो जो भी आश्रमवासी है, अपना घर परिवार छोड़कर वहां रहते हैं, तो इन्होंने त्याग क्या किया? घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, बहुत छोटी छोटी चीजों का त्याग किया है उन्होंने, घर परिवार, किसी ने हजारों की प्रॉपर्टी, किसी ने लाखों की, किसी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी भी छोड़ दी, उसका त्याग कर दिया। इन छोटी छोटी चीजों का त्याग करके हम तो सब इस चीजों में उलझे हुए हैं, आज भी हम इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए, हमारी दृष्टि में शायद ये चीजें बड़ी हो सकती है, लेकिन आश्रमवासियों की नजरों में बहुत छोटी छोटी चीजें है ये। तो इन छोटी छोटी चीजों का यदि आश्रमवासियों ने त्याग किया, तो छोटी छोटी चीजों का ही त्याग किया ना। किस लिए त्याग किया? आत्मकल्याण के लिए, जीवन के परम लक्ष्यों को पाने के लिए उन्होंने इन छोटी छोटी चीजों का त्याग किया है। एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, एक बड़ी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी चीज का त्याग किया है। बड़े स्वार्थी है आश्रमवासी, सच्चे स्वार्थी है, उनको पता है उनका स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ, उनका परम स्वार्थ किसमें है? गुरुदेव की प्रसन्नता ही उनका स्वार्थ है। गुरुदेव जिसमें प्रसन्न हो, बस हमको वही करना है, हमको वही पाना है जो गुरुदेव चाहते हैं कि हम पाले। गुरुदेव चाहते हैं कि हम उस लक्ष्य को पाले, जो जो राह गुरुदेव ने हमको दिखाई है, उस राह पर चल 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 रहे हैं आश्रमवासी, और उस राह पर चलने के लिए, उस राह पर चलते हुए उन्होंने त्याग कर दिया उन चीजों का जो इसमें बाधक बन रही है, जो इसमें उनको लगता है कि ये हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का उनके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। फिर जब जिन जिन चीजों का महत्व ही नहीं है आश्रमवासियों के जीवन में, उनका घर परिवार, उनका संसार जो वो छोड़कर आए, पैसा, वो सब उनकी, वो प्रॉपर्टी, उनका घर बार, वो जो सब छोड़कर आए, उनका कोई महत्व ही उनके जीवन में नहीं है, तो कितना छोटा त्याग है वो। छोटी छोटी चीज है ना उनकी नजर में, छोटी छोटी चीजों को छोड़कर वो बड़ी चीज पाने के लिए आए हैं। स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। गुरुदेव, गुरुदेव द्वारा जो आज्ञा दी गई, जो गुरुदेव द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया,
वो पाने के लिए, वो परम लक्ष्य पाने के लिए उन्होंने छोटी छोटी चीजों का त्याग कर दिया। स्वार्थी है, बड़े स्वार्थी है। मैंने देखा अभी आश्रम में, मैंने क्या क्या दिखा हूं मैं आपको बता रहा हूं, बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, इस वीडियो को आप थोड़ा अंत तक सुनिए और मैं आपको बताऊंगा कि सूरत आश्रम में मैंने क्या क्या देखा। किंतु जो आश्रम पे आरोप लगा रहे हैं, जो आश्रम की निंदा कर रहे हैं, आश्रम की बदनामी कर रहे हैं, मीडिया को पैसे दे रहे हैं, वो कौन? डमडम ठाकुर है। अभी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े अखबारों में न्यूज छप रही है कि बापूजी को फंसाने में आश्रमवासियों का ही हाथ है, पैरोकारी गद्दार है, बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है सोचिए। साधकों को भ्रमित करके, साधकों को भावना में, मतलब साधकों को बहका कर, भ्रमित करके उनसे पैसा लेकर फिर वो पैसा इसमें लगाया जा रहा है, आश्रम को बदनाम करने में। और मिशनरियों को, बिकाऊ मीडिया को इनका बचाव किया जा रहा है कि इनका कोई दोष ही नहीं है, दोष सारा आश्रम का ही है। सोचिए कितनी बड़ी, कितना बड़ा पाप। और उनकी बातों में आकर यदि हम भी आश्रम की निंदा कर रहे हैं, बड़ा महापाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा। हमें तो गुरुदेव की आज्ञा में चलना है, चाहे वो उनसे जबरदस्ती बुलवाया गया हो। ऐसा भी कुछ लोग मूर्ख, महामूर्ख ऐसा कहते हैं, बड़े मूर्ख है लोग जो कहते हैं कि बापूजी से जबरदस्ती बुलवाया गया है। तो मैं कहूंगा कि मान लो जबरदस्ती भी बुलवाया गया हो, उन मूर्खों की बात सच्ची भी हो, तो भी हमें बापूजी के वचनों का ही पालन करना चाहिए, वही हमारा कर्तव्य है, उनकी आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। तो आश्रम में जो मैंने देखा, कितनी सुंदर व्यवस्था। अभी जन्माष्टमी शिविर पे तो आप में से कई गए होंगे, तो उस समय तो व्यवस्था करनी ही पड़ती है भाई, सब तरफ लाइव जा रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतने साधक आ रहे हैं, इतनी चर्चा होगी तो व्यवस्था करनी ही पड़ती है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जन्माष्टमी शिविर में रखा भी होगा सब अच्छी व्यवस्था उन्होंने, वहां सुंदर साफ सफाई व्यवस्था, आयोजन का पूरा अच्छा प्रबंध अच्छा किया होगा सब, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन मैं गया था, अभी 29 नवंबर रविवार के दूसरे दिन, मतलब 28 को रविवार था, तो उस दिन भी कई साधक वहां आते होंगे, सत्संग होता होगा, पर 29 को तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिस दिन मैं गया। फिर भी मैंने देखा कि वहां कोई ऊपर वो छत पर चढ़ के, जहां पे वो बड़े बादशाह का जहां वो छत है, जब जब ध्यान का जो कक्ष है, उसके ऊपर चढ़ के कोई भाई सब पत्तों को झाड़ रहा है, वहां पे जो सूखे पत्ते पड़े उसको साफ कर रहा है, कोई क्या सेवा कर रहा है, कोई भोजन में, मतलब अलग 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 सब सेवाओं में, अपनी अपनी सेवा में लगे, निरंतर सेवा चल रही है, दिन रात सेवा साधना उसी में लगे हैं सब। तो क्या कहे महाराज आश्रमवासियों की सेवा को। कई साधकों से मिला मैं, मुलाकात हुई, किसी ने मुझे स्वयं सामने से आवाज देकर हरिओम मानो भाई, तो हरिओम कहा, तो किसी ने, मैं जब जा रहा था, कोई एक साधक दूसरे साधक से, अरे ये तो मानव बुद्ध देव जैसे दिखते हैं, दूसरे भाई बोले अरे मानो मानो भाई है, वही है, बड़ा 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 प्यारा, बड़ा आनंद, यानी सचमुच आंख में आंसू भी आ जाते हैं जब ये सब बातें याद, मतलब ऐसा जब इतना स्नेह, इतना इतना स्नेह, इतना आनंद, इतना एक एक मौज आती है जब हम आश्रमवासियों से मिलते हैं, आश्रम में जाते हैं गुरुदेव के। अब भाई सूरत आश्रम में तो आज भी, सूरत क्या, किसी भी आश्रम में आप चले जाइए तो लगता है कि नहीं गुरुदेव तो आज भी आश्रम में ही है, गुरुदेव का सूक्ष्म रूप से गुरुदेव तो आज भी आश्रम में ही निवास करते हैं, तो आनंद तो आएगा ही आएगा। इतना सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत आश्रम है हमारे, हमारे सभी आश्रम इतने, सूरत आश्रम के लिए तो गुरुदेव ने कहा है कि मेरा हृदय है, तो इतने सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत आश्रम में आनंद तो आएगा ही, जहाँ स्वयं गुरुदेव निवास करते हैं आज भी, तो आनंद तो आता ही आता है। लेकिन आनंद के साथ थोड़ी मजा भी आई मुझे इस बार, थोड़ा एक मौज, जैसा मैंने अभी कहा कि अरे भाई ये तो मानव भाई जैसे दिखते हैं, तो दूसरे भाई बोले मानव ही है, तो मानव भाई है, बड़ा मजा आया। एक भाई तो सुबह सुबह जब मैं बड़े बादशाह के पास एकादशी के दिन, ये एकादशी को 30 नवंबर को मैं सुबह सुबह, शादी थी मेरे भांजी की, तो विवाह में जाने से पहले मैंने अपने नियम आदि पूरे किए, नियम पूर्ण किए, और फिर थोड़ा टहला भी मैं तापी नदी के किनारे, शिव मंदिर में गया, बड़ा आनंद आया। फिर बड़े बादशाह की परिक्रमा मुझे बड़ा वो सब, 9 साल के बाद मैं सूरत आश्रम में गया, पहले तो हर दिसंबर के शिविर में जाता था, तो बड़ा एक वो भी मुझे कुछ संस्मरण, मुझे उस समय बड़ा वो यादें आ गई मुझे सब, जब मैं सूरत आश्रम में मैंने गया 9 साल के बाद, तो सब पुरानी बातें, पुरानी यादें सब आ गई, ताजा हुई पुरानी यादें, तो बड़ा आनंद आया। एक अनुभव मैं पहला भी आपको सुनाऊंगा, अभी
सूरत आश्रम का 9 साल पूरा, 9 वर्ष पुराना, कि बापूजी ने कैसे बड़े दर्शन दिए थे उस समय सूरत में साधकों को, वो मैं भी आपको सुनाऊंगा। तो उससे पहले अभी एकादशी को जब मैं विवाह में भांजे के जा रहा था, उससे पहले मैंने बड़भाषा की परिक्रमा की, 108 परिक्रमा करके मैं वहां बैठा, आरती हुई। जैसी मेरी परिक्रमा पूरी हुई तभी कुछ भाई वहां आए, उन्होंने आरती की, आरती का आनंद लिया। आरती होने के बाद मैं वहां बैठा तो एक भाई थे जो एकादशी का प्रसाद बांट रहे थे, राजगिरी के लड्डू थे भाई, बढ़िया, बड़े आश्रम में तो जो भी मिलता है बड़ा, उसकी बात ही कुछ निराली होती है। उन मूर्खों को, उन मक्कारों को, उन गद्दारों को, उन गधों को क्या कहे कि जो कहते हैं कि आश्रम के प्रसाद पे थूकना चाहिए। खैर छोड़िए, तो वो राजगीर के लड्डू बांट रहे थे भाई, दो दो लड्डू। तो मैं सोचा कि अभी बैठा हूं, थोड़ा आनंद लू, ध्यान का थोड़ा शांति, बड़ा आनंद मिल रहा था। तो मैं वो प्रसाद तो कुछ उठा नहीं, मैं बैठा रहा। मैंने बोला ये प्रसाद अभी ये भाई बांट रहे, फिर वो बाहर तो काउंटर पे मिलता ही है, बाहर जो सामने काउंटर है बड़भाषा के सामने, वहां तो सबको बांटती है, वहां से ले लूंगा। मैं बैठा रहा तो भाई ने मुझे आवाज दी, अरे भाई प्रसाद लीजिए, भाई लो ना प्रसाद। तो मैं गया उनके पास, जैसे मैं उनके पास गया और ऐसा हाथ बढ़ाया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे देखकर। जब उन्होंने मुझे सामने देखा, अरे आप तो बिल्कुल मानव बुद्धि की कॉपी है, फिर भाई मुझे बोले, तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैं हंसता हुआ बोला कि हाँ मैं उसकी कॉपी हूँ, मैं ऐसा बोला, हाँ मैं उसकी कॉपी हूँ। तो बोले आप वही तो नहीं है, मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ, फिर मैं ऐसा बोला। तो बोले हाँ आवाज तो मानव बुद्धि, आवाज तो उनकी है। फिर मैंने कहा हाँ मैं भांजी की शादी में आया था, आज मेरे भांजी की शादी है, तो कल से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, कल रात को यही मेरा मुक्काम था वगैरह, थोड़ी ऐसी शांतिपूर्वक। वहाँ बड़भाषा का परिसर था तो वहाँ अधिक चर्चा तो नहीं कर सकते, किंतु वही भाई मुझे बाद में जब वो निकल रहे थे आश्रम से तो आश्रम के गेट के पास मिले, वे जा रहे थे अपने घर, वहां मुलाकात हुई। तो गेट के पास तो थोड़ी चर्चा, फिर वहां चर्चा की उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं आश्रम के बाहर ही मेरा घर है, अपने आश्रम से नजदीक ही मेरा घर है। वे आश्रमवासी नहीं थे, गृहस्थी साधक थे, और वो आश्रम के पास ही उनका घर, आश्रम से करीब ही कहीं उनका घर था। तो कितने सौभाग्यशाली, कितनी गुरुदेव की करुणा कृपा उन पर कि उनका घर वहां है, कि वो बिल्कुल रोज आश्रम में आ जा सकते, आकर वहां कुछ सेवा भी करते, जैसे वो प्रसाद दे रहे थे सबको, तो ऐसा एक लाभ उनको मिल जाता है वो भाई को। तो उन्होंने मुझे कहा कि कितना सब चल रहा है अभी, आश्रम को बदनाम कर रहे हैं, आश्रम की निंदा कर रहे हैं, गुरुदेव के इतने आज्ञा आने के बाद, ऋषि प्रसाद में इतना सब छपने के बाद, तो गुरुदेव के वचनों का भी इतना ये लोग निरादर कर रहे हैं, उनकी इतनी अवमानना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, वो धिक्कार है इन लोगों को। भाई ने भी बड़ा एक दुख व्यक्त किया, रोष व्यक्त किया कि भाई हम तो यहाँ आश्रम के करीब ही रहते हैं, आश्रम में रोज आना जाना है, सेवा करते रहते हैं, एकादशी हो, रविवार हो, पूर्णिमा हो, मुझे तो लगता है शायद रोज ही आते होंगे, नजदीक ही आश्रम तो शायद आते होंगे, मेरी थोड़ा मैंने आते होंगे। तो इतने करीब से वो भाई ने आश्रम को देखा है, देख रहे हैं हर रोज, बड़ा उनके मन में भी दुख, बड़ा रोष कि ये साधक इतने आश्रम की निंदा करते हैं। पुणे सेंटर में भी मैं गया 19 नवंबर को, पुणे सेंटर के भाइयों को मिला, करीब एक घंटा तो वहां रहे होगा मैं, हमारे भाई थे जो मुझे, हमारे गुरु भाई मुझे वहां लेकर गए। आज किस किस का नाम लूं मैं, सूरत आश्रम में इतने सब साधक मिले, पुणे में मिले, बड़ा सचमुच उनके चरण की धूल बराबर भी नहीं है, हम सब नहीं है। सच कहता हूं कि उनकी सेवा अद्भुत सेवा है। अरे भाई आखिर गए तो वो सब हम में से ही गए ना, तो हो सकता है संसार में से जब वहां गए हैं तो थोड़ा 19-20 स्वभाव में थोड़ा बहुत कोई थोड़ा रुखा बोलता हो, सभी तो नहीं है ऐसे, एकाधा कोई ऐसा हो भी, मान लो कि थोड़ा बोलने में ऐसा लगता है हमें कि थोड़ा सा होता है, मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि आश्रमवासी तो कोई ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, थोड़ा बोलने में विनम्रता नहीं है, या मधुर व्यवहार किताब उनको पढ़नी चाहिए, ऐसे भी सलाह देते हैं कुछ लोग। अरे भाई कोई मान लो 1000 साधक में कोई 2-4 साधक ऐसे हो भी, तो उनके संस्कार है वो ऐसे सब लेकर गए हैं, तो बोलने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारी परीक्षा है कि हम आश्रमवासी यदि हमसे कोई रुखा व्यवहार करता भी है, और यदि हम उनके प्रति कुभाव हमारे मन में ला रहे हैं, हम उनकी निंदा कर रहे हैं, तो फिर हम साधक ही कैसे। यानी हम संसार में रह रहे तो हम चाहे कैसे भी रहे, और आश्रमवासी सबके सब ब्रह्मज्ञानी संत बन जाए एक दिन में वहां समर्पित होते होते सी, आश्रमवासी आश्रम में समर्पित हो गए तो वो सब ब्रह्मज्ञानी संत हो जाए, बिल्कुल बापू जी बन जाए सब, ये अपेक्षा हम उनसे रखते हैं। और हम चाहे कैसे भी जिए,
हम घर पे साबूदाने की खिचड़ी बना के खा लेंगे, साबूदाना। हम घर में कुत्ते पाल लेंगे और ऊपर से कहेंगे कि नहीं, हम बापू जी के साधक हैं, हम शादी ब्याह में जाके वहां खाना खा लेंगे, होटलों में खाना खा लेंगे और कहेंगे कि हम बापू जी के साधक हैं, हम एक निष्ठ है, हम महान है, और आश्रमवासी सब गद्दार है, आश्रमवासी सब बेईमान है, जो वहां दिन रात सेवा में लगे हैं, जो भोजन में मिलता है बस वही पा लेते हैं। हम तो बढ़िया सुबह दूध पीते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, उनको च्यवनप्राश भी अगर खाना हो तो भोजन में खाना पड़ता है, बाकी समय बस दो समय भोजन मिलता है उसी में जो मिल जाता है खा लेते हैं। और हम आश्रमवासी गद्दार हैं। अरे भाई, किसी ने थोड़ा बहुत 19-20 आपसे बात कर ली हो, मान लो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो, गद्दार हो गए? अरे उनके मन में कोई कपट नहीं है, उनके मन में कोई, वो गुरुदेव के प्रति एक निष्ठा है, दिन रात सेवा में लगे, गुरुदेव के आज्ञा में चल रहे हैं। थोड़ा रूखा बोलने में सबका स्वभाव एक जैसा तो होता ही नहीं है, जितना विनम्रता से हम बोलते हैं शायद उतना भी वो नहीं बोल पाते आश्रमवासी, सब नहीं, जो एक दो चार के लिए आप इतना सब आश्रमवासी को बदनाम करते हो। तो वो जो एक दो लोग है वो भी गद्दार तो है ही नहीं ना, वो भी बेईमान तो है ही नहीं ना। कभी थोड़ा रूखा बोल दिया और आपने मन में गांठ बांध ली और लग गए, पड़ गए आश्रम के पीछे, सब आश्रमवासी बदनाम। हाँ, ये जो डमडम बोल रहा है, ये जो राहु दोषी बोल रहे हैं, वो जो बंगाली इधर उधर, क्या नाम है उनका, इधर या उधर कुछ नाम है, बंगाली इधर या उधर ऐसा कुछ नाम है, तो बंगाली इधर उधर कुछ बोल रहा है, हमने सच मान लिया क्योंकि किसी आश्रमवासी ने हमारे साथ गलत बात की थी, गलत नहीं बात की थी पर थोड़ा सा रूखा कर दिया होगा, थोड़ा सा गुस्सा व्यक्त हो कभी कर दिया होगा, भाई वो भी इंसान है, वो भी मानव है, वो भी कोई ब्रह्म ज्ञानी तो अभी सब सभी सब आश्रमवासी तो ये नहीं हो गए, थोड़ा सा रूखा बोल दिया तो हमने मन में गांठ बांध ली और इनकी बातों में आकर हम पूरे आश्रम को बदनाम करने लग गए। तो हम साधक कैसे, हम अगर मन में द्वेष रख रहे हैं, हम अगर मन में इस तरीके की गांठ बांध रहे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं, तो हम फिर साधक कैसे? तो चलता है, ये सब होता रहता है, पर आश्रमवासी चाहे थोड़ा 19-20 थोड़ा बोलने में भले उनका कोई किसी के साथ हो गया हो, वो भी एक साधक का, 1000 साधक में कोई एक साधक बोल रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 999 साधक अच्छे हैं और वो एक साधक बुरा है, मैं ये कहूंगा कि 1000 के 1000 साधक अच्छे ही है, उसने थोड़ा सा बोल क्या दिया, पर उसका त्याग देखो, उसकी सेवा देखो, उसकी साधना देखो, आप वो देखिए ना। तो मित्रों, सूरत में मुझे तो बड़ा आनंद आया, सब स्वार्थी आश्रमवासियों से मिलकर, मेरे जैसे त्यागी साधक को स्वार्थी आश्रमवासियों से मिलकर बड़ा आनंद आया। मैं तो त्यागी हूं क्योंकि हम सब त्यागी हैं और थोड़े थोड़े स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, ये गुरुदेव की करुणा कृपा हम पर है कि हम गृहस्थी में, हम संसार में रहकर भी आश्रम में भले हम समर्पित नहीं हो पाए, पर गुरुदेव की करुणा है कि वो हम जैसे जिनकी कुछ भी औकात नहीं है, जिनकी कोई, हम लायक नहीं है, फिर भी गुरुदेव हमको उस स्वार्थ की ओर धीरे धीरे उस स्वार्थ की ओर खींच रहे हैं, जिस स्वार्थ में पूरी तरह डूबे हैं हमारे आश्रमवासी, हम भी तो उस ओर बढ़ रहे हैं, ये उनकी करुणा कृपा है। लेकिन जो ये डमडम जैसे लोग हैं जो केवल साधकों को भ्रमित कर रहे हैं, इन लोगों ने पता नहीं दीक्षा भी ली या नहीं, पर ये मिशनरी के, जरूर ये मिशनरियों के एजेंट है, उनके दलाल है, तभी तो ये उनका बचाव कर रहे हैं, बड़े बड़े फ्लेक्स लगा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, ताकि साधकों के मन में, लोगों के मन में ये एक बात, वो प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों, प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में ये बात बैठ जाए कि आश्रमवासी ही गद्दार है, उन्होंने बापू जी को फंसाया है, सुरेश चव्हाण के जी गलत है जिन्होंने कहा कि मिशनरियों का इसमें हाथ है, सुब्रमण्यम स्वामी गलत है, अशोक सिंगल जी गलत है, झूठे है कि जिन्होंने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है जिसमें मिशनरियों का हाथ है, विदेशी ताकतें इसमें लगी है, वो सब झूठ है। बिकाऊ मीडिया ईमानदार है, ये सब इन लोगों का झूठ है, और बिकाऊ मीडिया ईमानदार है कि जिसने बापूजी को इतना बदनाम किया, और उसी मीडिया को आज ये लोग पैसा दे रहे हैं। आप सोचिए, आप एक बात कहिए, अभी जो खबरें चल रही है मीडिया में कि आश्रमवासी गद्दार है, आश्रमवासी पैरोकार, नहीं क्या चल रहा है, पैरोकारी गद्दार, बस यही फ्लेक्स, यही बैनर और यही अखबार में नहीं चल रही है कि पैरोकारी गद्दार, मतलब जो भी लीगल टीम है, जो भी आश्रमवासी है, वो सब गद्दार है। मुझे बताइए, अखबार को जब आप ये प्रेस नोट देते हो ऐसी, क्या आपको लगता है कि वो छाप देगा एकदम से?
आप अखबार को अगर कोई ऐसी सेंसिटिव न्यूज दे रहे हो, संवेदनशील समाचार यदि आप, संवेदनशील प्रेस नोट बनाकर आप यदि कोई अखबार को दे रहे हो, क्या लगता है आपको छाप देगा? इतना संवेदनशील मुद्दा वो छाप देगा? नहीं, जब तक उसके हाथ में पैसे नहीं दिए जाएंगे ऐसे मुद्दे को वो नहीं छेड़ते। हाँ, आप लिख दो कि भाई संकीर्तन यात्रा निकली, भंडारे हो गए, तो वो सकारात्मक न्यूज बिकॉम मीडिया वाले जनरली, कई अखबार वाले नहीं देते हैं, कुछ अच्छे अखबार है वो दे भी देंगे, तो उसमें वो पैसे की मांग नहीं करेंगे, छाप भी देंगे। पर जहां इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि आश्रमवासियों के नाम भी ले जा रहे हैं, लीगल टीम के जो है उनमें कईयों के नाम भी ले गए और उनको बदनाम किया जा रहा है, अखबार वाले ऐसी छाप देंगे किसी के बारे में? पेड न्यूज है, पेड न्यूज। पैसा दिया गया और पैसा आया कहां से? इस फर्जी गैंग के पास पैसा आया कहां से? मित्रों, हम जैसे साधकों के बीच कुछ साधक ऐसे भी है जो भोले भाले हैं, जो उनकी बातों में आके भ्रमित हो रहे हैं, वो उनको पैसा दे रहे हैं। मेरे हमारे ही गुरु भाई बहन है, इसलिए मूर्ख नहीं कह सकते। मूर्ख तो वो लोग है, ये जो फर्जी गैंग है वो मूर्ख है। हम हमारे इन गुरु भाई बहनों को मूर्ख नहीं कह सकते, इसलिए भोले भाले शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं। तो ये भोले भाले साधक है जो उनकी बातों में आ जाते हैं, जरा भी सोचते हैं, इतना थोड़ा तो सोचिए थोड़ा सा। अरे भाई, मैं तो कहता हूं ना बार बार ये बात, फिर एक बार दोहराऊंगा ये बात कि भाई यदि मान लो बापू जी से जबरदस्ती भी बुलवाया गया हो, हमें वो नहीं सोचना है। गुरुदेव के मुख से जो वचन निकल गए, गुरुदेव के श्रीमुख से जो भी शब्द निकल गए, जो भी वचन निकल गए, बस हमें उसका ही आदर करना है। और गुरुदेव ने कई बार कहा है, बार बार कहा है, ऋषि प्रसाद में छपवा दिया, लोक कल्याण सेतु में छपवा दिया, उसके बावजूद हम उस पर संदेह कर रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है मित्रों, मेरे गुरु भाई बहनों, उनको धिक्कार है। अभी सूरत आश्रम में मैंने गौशाला भी देखी। मैं तो जब सूरत में पहुंचा ना, सोमवार को भी, ये सोमवार को 1:30-2 बजे में पहुंचा, तो मैंने पहले हमारे एक भाई से बात किया। अभी कई भाइयों से संपर्क हुआ वहां, तो किस किस का नाम लूं, बड़े सज्जन, बड़े साधक ही है भाई वो तो, समर्पित साधक का कहना ही क्या, साधक क्या संत है वो तो सब, और संत ही है बिल्कुल, मुझे कोई इसमें संकोच नहीं है संत कहने में। और बापूजी चाहते हैं कि वे ब्रह्मज्ञानी संत बने, ये बापूजी चाहते हैं। तो ये जो सब संत है वो ब्रह्मज्ञानी संत बनने के रास्ते पे चल रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी संत बनने के रास्ते में, और बापूजी की करुणा कृपा है उन पर, तभी तो वो आश्रम में टिके हुए हैं, इतनी उनकी तपस्या, अद्भुत अद्भुत। एक भाई तो गोडाउन में सेवा कर रहे थे सूरत आश्रम के, जो साहित्य का गोडाउन है ना, सामग्री जहां सब औषधियां मिलती है। अभी हमने भी हमारे अमरावती समिति के साहित्य स्टॉल के लिए कुछ बहुत 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 सामान वहां से खरीदा, मैं वहीं बैठा था करीब गोडाउन में, आधा पौन घंटा तो वहां भी गया मेरा, मतलब वो सब हमारे अमरावती साहित्य स्टॉल के भाई ने फोन पे उनसे बात करवा के वो सब लिखवाया, वो सब मैंने, तो बड़ा वो सब सामग्री वहां से हमने खरीदी, तो वो सेवा मैंने करीब से देखी उनकी। वो सब पार्सल पैक करते हैं, तो एक तो बड़ा वो जो सेवा है ना गोडाउन की, वो तो बड़ी मेहनत वाली सेवा है, क्योंकि वहां से उठा पटक करनी पड़ती है सब, कई सामान तो बड़ा वजनदार भी होता है, काफी उसका वजन होता है, वो सब वो बक्से बनते हैं, पार्सल बनते हैं, फिर वो सब उठाओ, उसको पैक करो, उसको उठाओ, फिर वो सब ट्रांसपोर्ट में डालने के लिए जाना करना, ये सब सेवा चलती रहती है उनकी। तो भाई गोडाउन की सेवा में इतनी मेहनत वाली सेवा वो करते हैं, बावजूद उसके साधना में भी बड़ा उनका मन लगता है, उसमें भी बड़ा समय देते हैं वो भाई। दोनों समय नहाते हैं, सुबह तो संध्या में हम सब नहाते ही नहाते हैं, शाम की संध्या के पहले भी वो नहा लेते हैं, फिर संध्या करते हैं, फिर सुबह सुबह जब मैं दूसरे दिन एकादशी के दिन जब मैं वहां टहल रहा था, शिव मंदिर में गया दर्शन के लिए और तापी नदी के किनारे, तो वहां भाई बढ़िया सूर्य स्नान ले रहे थे शिव मंदिर में बैठ के। तो देखिए गोडाउन में बैठ, गोडाउन की इतनी मेहनत वाली सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी साधना में पूरा उनका ध्यान, और इतना होने के बाद भी जब मैं आश्रम से निकला विवाह स्थल पे जाने के लिए, और जब शाम को विवाह के बाद पुनः आश्रम में लौट रहा था, दोनों समय उनके मुझे इतने फोन आए रास्ते में, मैं उनको एक फोन करूं तो सामने से उनके 5 फोन आए, मानो भाई आपको गाड़ी मिल गई बराबर, वहां से आपको यहाँ बैठना है, वहां से उतरना है, सिटी बस में ये करना है, और आपको ये स्थल पे जाना है, मुझे पूरी वो गाइड कर रहे थे, पूरा मार्गदर्शन कर रहे थे। और फिर बोले आप पैसेंजर को फोन दीजिए, आप अपना मोबाइल
आपके साथ जो पैसेंजर होंगे किसी उनमें से किसी को दीजिए, मैं उनको समझाता हूँ। फिर एक पैसेंजर से मैंने उनकी बात करवाई, तो बोले भाई ये हमारे भाई जो है आपके साथ, उनको आप थोड़ा अच्छे से बताइए, उनको कहाँ उतरना है, क्या उतरना है, उनको उतराई। महाराज बड़ा गजब, कितना सम्मान, कितना प्रेम, कितना स्नेह, सचमुच बड़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ा गुरुदेव ने कितना बढ़िया परिवार हमको दिया है, कितना कितना क्या मैं उसका वर्णन करूं। सच कहता हूं कि मेरे आंखों में आंसू आए उस समय जब मैं एक भाव वो भाइयों से जब मैं मिला, तो उस समय तो बड़ा मैं मुस्कुराया कि जो भाई आप तो मानव भाई जैसे दिखते हैं। तो मैं बोला थोड़ी मुझे हंसी आई उस समय जब मैंने अभी आपको मैंने अनुभव सुनाया, लेकिन बाद में जब मैंने घर पे आके सब बातें याद की, मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्या औकात है हमारी, हमारी क्या औकात, आज इतना बड़ा परिवार गुरुदेव ने दिया, इतने सब, कोई भी आश्रम में चले जाइए, कोई भी शहर में चले जाइए, वो इतना सब जानते हैं, पहचानते हैं, क्यों? ये गुरुदेव की करुणा है। वास्तव में हमारी क्या औकात है, आश्रम वासियों के चरणों की धूल बराबर भी नहीं है हम लोग, और आज वो लोग हमको इतना सम्मान दे रहे, इतना प्रेम दे रहे, इतना इतना कितनी उदारता है उनकी, आश्रमवासी भाइयों की भी कितनी उदारता है, वरना हम कौन है, हमारी क्या औकात है। पुणे सेंटर में भी मैंने देखा कि वहां के साधक अद्भुत अद्भुत, उनकी सेवा, उनका स्नेह सम्मान, वहां कोई, वहां भी आश्रम समर्पित साधक तो मिले ही मिले, लेकिन वहां भी ऐसे एक साधक मिले जो गृहस्थी साधक थे और वहां आए थे, बड़े वास्तु वास्तु पे बढ़िया उनकी सेवा चल रही है, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, उनका काम छोड़ दिया, व्यवसाय छोड़ दिया, और गुरुदेव की आज्ञा से वो वास्तु की सेवा में ही लग गए, उसी को अपना उन्होंने व्यवसाय बना लिया शायद, वास्तु का मार्गदर्शन करते हुए, वास्तुशास्त्र का, वास्तुशास्त्र का। उनका भी मैं नंबर लेकर आ गया, तो कभी चले उनका भी अपन चैनल पर उनको भी लेकर आएंगे, ऐसा कि मन में आए कि चलो वास्तु पे भी कभी चर्चा कर लेंगे, साधकों को उसका लाभ हो जाएगा। कितना बढ़िया परिवार गुरुदेव ने दिया है, और उसमें ये लोग, ये नीच लोग, ये गिरे हुए लोग, इनके लिए क्या कहूँ, गंदी गालियां तो हमारे मुंह से निकल ही नहीं सकती, क्योंकि हम गुरुदेव के शिष्य है, इनकी तरह चेले नहीं है उनके कि भाई हम गंदी गालियां दे, तो गंदी गालियां तो हम नहीं दे सकते, लेकिन नीच शब्द तो हमारे मुंह से निकलता ही निकलता है। तो ये गिरे हुए लोग जो है, हम हमारे इतने सुंदर परिवार में, इतने बढ़िया परिवार में दरारें डालने का प्रयास कर रहे हैं, साधकों को भ्रमित कर रहे हैं, आपस में फूट डाल रहे हैं। आज मुझे भी गालियां देते हैं कई साधक, साधक क्या कहे अभी उनको, साधक तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारे, उनका दोष नहीं है, वे भ्रमित हो रहे हैं। ये लोग है जो साधक नहीं है, अपने आप को दीक्षित बताकर हमारे बीच घुसे हुए हैं फर्जी गैंग, और वो हमारे साधकों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये तो हमारे साधक ही है बेचारे, पर वो उनकी बातों में आकर भ्रमित हो रहे हैं, वो हमको गालियां देते हैं कि ये बिका हुआ है, मानव को पैसे मिलते, मेरा ऑडियो भी वायरल कर दिया था, पर इतनी भी सोच नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है कि मैं मानव भाई अगर वास्तव में वहां से 9 लाख रुपए मिलते, वास्तव में अर्जुन भाई 6 लाख और नीता वैद्य भवन 3 लाख रुपए देती, तो क्या मानव भाई किसी को ऐसा ऑडियो पे, किसी को ऐसा फोन पे बता दे, वो भी ऐसे भाई को जो पहली बार बात कर रहा है, अपने आपका परिचय दे रहा है कि मैं मिलन बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं उनको जानता ही नहीं था, पहली बार मेरी बात हो रही है, उनको मैं बता दूंगा, क्या मुझे इतनी भी अक्ल नहीं है? फिर भी ये लोग उछल उछल के कि देखो मानो भाई ने, वो भी जानते हैं कि मानो भाई ऐसा उनको पैसे नहीं मिलते, आश्रम ऐसा पैसा क्यों देगा, 9 लाख मानो भाई को क्यों देगा, 72,000 आज मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है, उस समय कुछ 69,000 होंगे, इतने छोटे चैनल के लिए मानो भाई को पैसे, अरे भाई 9 लाख रुपए महीना, हर महीने सोचिए, हर महीने 9 लाख अगर वो दे रहे हैं तो रोज के कितने हुए, 30,000 रुपए रोज हुआ, 30,000 रुपए, हाँ 30,000 रुपए रोज, इतना यदि वो पैसा आश्रमवासी खर्च कर सकते हैं, लीगल टीम खर्च कर सकती है, तो वो बड़े चैनल को खरीद लेगी, पर नहीं, वो हर बात गुरुदेव की आज्ञा से ही करते हैं, गुरुदेव को पूछ कर ही करते हैं। आप लोग मीडिया को पैसा दे रहे हो लाखों रुपए क्या, और बड़े बड़े फ्लेक्स लगा रहे हो, आश्रमवासी को यदि करना होता तो मानव बुद्ध देव को 9 लाख रुपए क्यों देते, बड़े चैनल को खरीद लेते, 9 लाख रुपए महीना किसे कहते हैं भाई, छोटी मामूली रकम थोड़ी है, महीना हुआ ना, हर महीने 9 लाख छोटी रकम नहीं है भाई, बड़े चैनल को खरीद सकते हैं, बड़े अखबारों को खरीद सकते हैं, बड़े बड़े अखबारों को, लेकिन नहीं, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है ना भाई, गुरुदेव को पूछते हैं ना एक एक बात। आज कई ऐसे बातें हैं जो आपको अगर हम बता दे, मैं भी नहीं जानता हूं हम क्या बताए, मैं जो कह रहा हूं कि हम आपको, मुझे भी कई बातें ऐसी बताए कि
पता है जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कई बातें तो हम भी नहीं जानते ना, हम कैसे जानेंगे। जो लीगल टीम में कुछ कई बातें ऐसी है, वो बातें यदि आपके सामने रख दी जाए तो आप मान लोगे कि नहीं लीगल टीम सच्ची है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। पर वो बातें आपको नहीं बताई जा सकती। थोड़ा इतनी तो अकल रखिए ना प्रभु जी, थोड़ा तो सोचिए ना कि लीगल की बातें है, कानून की बातें है। आज गुरुदेव की केस चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें कुछ बात कई बातें ऐसी होती है जो आपको नहीं बताई जा सकती, उसकी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। वो आपको बता देंगे तो आप तो सब बिल्कुल मान जाएंगे कि लीगल टीम सच्ची ही है, लेकिन फिर केस में कितनी बाधाएं आएंगी, कितनी कितनी तकलीफ होगी, कितनी अड़चनें आएंगी, क्योंकि ये बातें खुलकर नहीं बताई जा सकती। ऐसी बहुत सी बातें होती है। बड़ा मोर्चा गया वहां अहमदाबाद आश्रम में, और वहां पे सबने, आपको पता ही है सबको, कई मुंबई के साधक, यहाँ के साधक, उधर के साधक गए। अर्जुन भाई बाहर आओ, भाई तो मैं कह रहा हूं, वे मूर्ख तो वो भी नहीं कह सकते, वो भी नहीं कहा होगा ना उन्होंने। अर्जुन को सामने लाओ, अर्जुन को सामने लाओ। अर्जुन भाई के लिए इस तरह का उन्होंने कहा था कि हमको जवाब दो, जवाब दो। अर्जुन भाई शाम तक बाहर नहीं आए, सामने नहीं आए। और एक इन लोगों ने भोजन नहीं किया और जाकर होटलों में भोजन किया, उसका वीडियो भी हमने देखा, बताया आपको। गुरुदेव गुरुदेव के संपर्क में थे वो, गुरुदेव सब जानते थे, हो गए ना संपर्क तो करते होंगे ना भाई। आश्रमवासी हर बात गुरुदेव को, गुरुदेव की आज्ञा से करते हैं। तो गुरुदेव को, गुरुदेव की आज्ञा ही नहीं होगी अर्जुन भाई को सामने जा तो क्यों आएंगे सामने? वो तो हर बात पूछ के करते हैं ना, इतना बड़ा मोर्चा है तो उनको क्या जवाब देना है, क्या बात करना है, पूछ कर ही करते होंगे ना, क्या आपको नहीं लगता? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो गुरुदेव की आज्ञा से ही करते होंगे। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि अभी गुरुदेव के सत्संग बंद करवाना है, गुरुदेव के कॉल आते हो बंद करवाना है, हर कैदी को अधिकार होता है बात करने का। कुछ नंबर रजिस्टर होते हैं वहां जेल में, उसी नंबर पर बात वो कर सकते हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग होता है वहां, ये सब बातें हैं। गुरुदेव कानून की मर्यादा में रहकर, कानून का पालन करते हुए हर बात, मतलब ब्रह्मज्ञानी संत है हमारे, विश्व पर उनकी सत्ता है, पूरा विश्व उनके, विश्व का संचालन गुरुदेव कर रहे हैं, किंतु मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्य शरीर की मर्यादाओं का पालन भी वो करते हैं। कानून का उल्लंघन गुरुदेव हमारे करते कभी कभी कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं। तो वे जो भी उनका कॉल आता है वो कानून की अनुमति के अनुसार, मतलब जो उनको अनुमति है कानून की, कानून की जो वहां जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए वो कॉल करते हैं। और उसी मर्यादा में रहकर, कानून की मर्यादा में रहकर ही आश्रमवासी भाइयों की वहां बात होती है, एक एक बात पूछकर करते हैं, एक एक बात गुरुदेव की आज्ञा लेकर ही सब बातों का सब संचालन हो रहा है। तो मैंने तो सूरत आश्रम में दो दिन बड़ा आनंद लिया। आप मत जाओ गद्दारो मूर्खो गधो, जो भी आपको अभी क्या कहूँ, गंदी गालियां तो नहीं दे सकते, फिर एक बार कहूँ, क्योंकि हम बापूजी के शिष्य, आप भले दीजिए, आप दीजिए, कमेंट कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हम आपको वैसी गालियां तो नहीं दे सकते। पर एक निवेदन मैं आपको करूँ, जो एकनिष्ठ साधक है उनको, कि आप सूरत आश्रम में कभी जाइए, कोई भी आश्रम में जाइए, जब जन्माष्टमी का शिविर हो, जब दिसंबर का शिविर या उत्तरायण का शिविर है, जो भी अभी अभी चलता ही रहे, तो चले गुरुदेव का सेवा कर रहे तो चलता ही रहे, निरंतर चल ही रहा है शिविर, तो ऐसा सब चल ही रहे, उन शिविरों में तो आप जाइए। लेकिन जब कोई शिविर नहीं हो, जब कोई ऐसा सत्संग नहीं हो हमारे वक्ताओं का, जब कोई ऐसा आयोजन नहीं हो, उस समय आप जाइए। जैसा मैंने भी आनंद लिया, मैं तो विवाह के लिए गया था और पूरा समय मैंने आश्रम में, अधिकतर समय मैंने वहीं बिताया, ऐसे समय आप जाइए और फिर देखिए आनंद। वो भी एक अलग आनंद है, एकांत भी मिलता है। मैं तो रात को लीला शाह भवन में सोया, बड़ी सुंदर व्यवस्था की उन्होंने, कंबल वंबल ये सब, वो मच्छरदानी वगैरह सब दिया आश्रमवासी भाइयों ने, बड़ा उनके प्रति कितनी कृतज्ञता व्यक्त करूं कम है, बहुत बहुत कम है। अब आप कहेंगे कि भाई आपको तो पहचानते हैं, आपको सब जानते हैं, इसलिए व्यवस्था की होगी। नहीं, जानते हैं पहचानते हैं तो थोड़ी बात चर्चा ज्यादा कर लेते हैं, वो तो ठीक है। मैं तो कार्यालय में भी उन्होंने बुलाया तो मैं उनके साथ बैठा, वहां चर्चा की ऑफिस में, ठीक है। ये सब बातें समिति के साधक जाते हैं, कभी मैं समिति का हूं या फिर मेरे को चैनल के कारण भी जानते हैं, तो ठीक है, वो चर्चा ज्यादा हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन जब वो चर्चा करते हैं ना, जब वे हमसे कोई व्यवहार करते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि वास्तव में हृदय से कर रहे हैं या ऊपर ऊपर कर रहे हैं। भाई हम तो सब गुरुदेव के साधक है तो हमको उतना तो समझ में आता ही है ना। फिर जो
ऊपर ऊपर कर रहे हो तो समझ में आ जाता है कि भाई ये तो मुझे जानते हैं पहचानते हैं इसलिए ऐसी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब वो हृदय से कर रहे होते तो समझ में आ जाता है कि नहीं, ये वास्तव में वो, ये उनका स्वभाव है, ये उनका एक उनका अंदर का साधकत्व है, सच्चा समर्पित साधक जो है, संतत्व है उनके अंदर का, जो इस तरीके से चर्चा हमारे साथ कर रहे हैं, इतना हमको सम्मान दे रहे, प्रेम दे रहे हैं। भले पहचानते हैं तो थोड़ी चर्चा ज्यादा कर लिया, थोड़ा प्रेम ज्यादा जता दिया, वो बात अलग है, लेकिन कोई साधारण साधक भी वहां जाता है, सर्वसाधारण, जिसको वो नहीं जानते, जिसको नहीं पहचानते, उनके साथ भी वो व्यवहार तो वैसा ही करेंगे जैसा मैंने अनुभव किया है, करेंगे, मैं जानता हूँ। अभी सूरत शिविर में भी, हमारे यहाँ के अमरावती के जन्माष्टमी शिविर में, जन्माष्टमी शिविर में भी सूरत में कई साधक हमारे अमरावती के पहुंचे थे, गए थे अमरावती जिले के, बड़ा आनंद आया उनको। तो आप कभी ऐसे एकांत समय में भी जाइए जब कोई शिविर ना हो। बड़ा मुझे वो सब बातें याद आ गई, 9 वर्ष पूर्व में हर दिसंबर के शिविर में जाता था सूरत में, हर दिसंबर के शिविर में। तो एक बार क्या हुआ, मैं तो सुबह जल्दी उठता था, मतलब सभी साधक वहां तो जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और जल्दी उठता था कि भाई थोड़ा जल्दी जल्दी स्नान हो जाए, क्योंकि जब भीड़ बढ़ जाती है तो फिर थोड़ा समय जाता है उसमें, तो मैं और जल्दी उठता था, शायद 2:45-3 बजे उठकर, या पता नहीं 2:30 बजे उस समय उठाऊंगा, मेरे को जल्दी जल्दी उठना कि भाई फिर हमारा कोई भीड़ ना बढ़े। तो मैं जल्दी उठकर एक बार स्नान कर रहा था, और जब मैं वहां स्नान कर रहा था और वहीं फिर मैं जब कपड़े पहन रहा था, तो अरे बापूजी आए, ऐसी आवाज आई साधकों में, अरे बापूजी आए। मैं बड़ा प्रसन्न, अरे बापूजी यहाँ आ गए सुबह सुबह 3:30 जो भी बजे होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहना, बाल भी नहीं सवारे मैंने, ऐसे ऐसे बाल ये करके तुरंत मैं दौड़ कर गया। तो वहाँ रसोड़ा है, आप सब, आप में से कई जानते होंगे जो सूरत गए हैं, जहाँ पे स्नानागार है वहीं पे नजदीक रसोड़ा है। मैं रसोड़े में दौड़ कर गया तो वहाँ बापूजी टॉर्च लेके आ गए थे सुबह सुबह, और वो आश्रमवासी भाई से बात कर रहे थे व्यवस्था के बारे में रसोड़े में। मैं भी वहां पहुंच गया, बढ़िया सुंदर दर्शन हो गए बापूजी के, हम सब साधक वहां खड़े थे, साधकों के साथ मैं खड़ा था। और 2008 से 2012 के बीच की कोई बात होंगी वो, मतलब दिसंबर के शिविर की। सुबह सुबह बापूजी ने दर्शन दिए, बड़े नजदीक करीब से दर्शन, बापूजी ने टॉर्च सबके चेहरे पे टॉर्च घुमाई, वो आश्रमवासी भाई से बात की, और फिर बापूजी कार में बैठ के सुबह सुबह ही निकल गए, शायद कहीं और आगे जहां भी सत्संग होगा, ऐसा मुझे कुछ याद है कि शायद वो उसमें वहां से निकल। तो चलिए, ये तो बड़ा आनंद उस समय 2 दिन मैंने लिया सूरत में, और काफी देर हो गई आपसे चर्चा करते करते, करीब 1.25 घंटा हो गया है। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, और एक बार फिर निवेदन करो कि आप भी कभी सूरत आश्रम जाइए जब कोई शिविर ना हो, इन गधों को बकबक करने दीजिए, इनको पेड न्यूज देकर आश्रम को बदनाम करने दीजिए। जो हम एकनिष्ठ साधक है, गुरुदेव के वचनों पर चलने वाले हैं, गुरुदेव की आज्ञा में चलने वाले हैं हम। अरे हाँ, गौशाला की एक बात और कर दूं, काफी समय हो गया है तो फिर भी गौशाला में सूरत में जब 1:30 बजे वहां पहुंचा सूरत आश्रम, 2:30-3 बज गए होंगे, 1:30 बजे तो मेरी ट्रेन ही पहुंची थी स्टेशन पे, तो आश्रम में पहुंचते पहुंचते 2:30-3 बज गए होंगे। तो पहुंचकर पहले मैंने बड़बादशाह का दर्शन लिया, और उसके बाद फिर मैं पूरा आश्रम घुमा। पहले स्नान तो करके मैं निकला था अमरावती से, तो सुबह सुबह 4 बजे ट्रेन थी, यहाँ से मैं स्नान वान करके निकला था। तो आश्रम में पहुंचकर मैंने पहले पूरे आश्रम का दर्शन किया, मुझे बड़ा याद आ गया सब। तो मैं, चलो भाई 9 वर्ष के बाद आया हूँ तो एक बार तो पूरा आश्रम टहल लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। गौशाला में गया, गौशाला में वो सब गैया देखी तो मुझे याद आ गया वो बंगाली इधर उधर, क्या नाम है उसका, बंगाली इधर या उधर कुछ नाम है, बंगाली उधर, जो भी नाम हो, तो मुझे याद आ गया उसका कि कितना नीचता, कितनी नीच मानसिकता, कि हमारे हमारे गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की प्रेरणा से जो गौशालाएं चल रही है उसको कितना झूठा बदनाम किया गया। सूरत आश्रम में कितनी सुंदर व्यवस्था गायों की जा रही थी, कितनी सुंदर व्यवस्था, गौ की कैसी व्यवस्था, कैसी सेवा उनकी वहां हो रही है, वो मैंने सब देखा है। मैं वो रिकॉर्डिंग आपको आज यहाँ नहीं दिखाऊंगा, वो फोटोग्राफ मैं आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगा, आप स्वयं जाकर एक बार देखिए। आप में से कहीं गए हैं, जो नहीं गए हो एक बार जरूर जाइए। फिर दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह उन गायों को बाहर टहलते हुए बाहर भी देखा मैंने, जब उनको चराने लेके जा रहे थे, बाहर लेके जा रहे थे एक भाई। मैं तापी नदी के किनारे जब मैं गया सुबह, तो वहां से वो सब गौएं जा रही थी, तो बढ़िया चल रही थी वहां से, तो बड़ा आनंद आया वो दर्शन करके। चलिए, कितना बोलूं, शब्द तो मतलब शब्द मेरे पास ऐसे नहीं जो पूर्ण सही वर्णन कर सके आश्रमवासियों का, आश्रम का, गुरुदेव की करुणा कृपा का,
ऐसे शब्द तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसे शब्द तो है जो जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। मेरी मेरी चर्चा तो कभी खत्म होगी ही नहीं, पर समय पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। ये चर्चा कभी पूरी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे करनी पड़ेगी इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलिए, हरिओम, जय गुरुदेव, धन्यवाद, साधुवाद।